সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগর একবার। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গা সাগরে একবার স্নান করলে জীবনে পুণ্য লাভ করা যায়। আর এই উদ্দেশ্যে দলে দলে মানুষ সারা দেশ থেকে আসে গঙ্গাসাগরে। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে কলকাতায় প্রতি বছর একটি অস্থায়ী শিবির হয়, সেখানে খানিক বিশ্রাম। এই অস্থায়ী শিবিরে কয়েক লক্ষ মানুষ অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেয়। সেখানেই কলকাতার ওম ব্যবসায়ী সংঘ প্রতি বছর এই পুণ্যার্থীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, এবং প্রচণ্ড শীতে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য কম্বল, বিছানা এবং রাত্রি যাপনের খুব ভালো বন্দোবস্ত করে দেয়। সেই সাথে তাদের দিবারাত্র আহারের ব্যবস্থা থাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। উত্তম নিরামিষ খাদ্য অতি যত্ন সহকারে মুখের হাসি, মনের ভালোবাসা দিয়ে পরিবেশন করে ওম ব্যবসায়ীবৃন্দ। এই ওম ব্যবসায়ীবৃন্দ তারাও সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই সকল পুণ্যার্থীদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য, কেননা তাদের বিশ্বাস অতিথি সেবাই হলো নারায়ণ সেবা। তাই অতিথিকে সেবা করলে লক্ষ্মীনারায়ণ দুই সেবা করা হবে, লক্ষ্মীনারায়ণ দুইয়েরই আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। এই কারণে তারা পুণ্যার্থীদের কোনো রকম কষ্ট, কোনো রকম অসুবিধা হতে দেয় না। ওষুধ ডাক্তার দিয়ে তাদেরকে সেবা করা হয়, কারণ অনেক দূর থেকে এই শীতের মধ্যে কারো কারো শরীর খারাপ হয়ে গেলে তাদেরকে সেই বন্দোবস্তও থাকে। কোনো পুণ্যার্থী যদি বিপদে পড়ে বা পকেট মার বা টাকা খোয়া যায়, তাদেরকে নিজেদের গাটের কড়ি দিয়ে তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে সেই সহযোগিতা করে, যাতে সে পুণ্যা স্নান করতে পারে এবং তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। গত 11 জানুয়ারি 1978 সাল থেকে প্রতি বছর এইভাবে নিঃস্বার্থ সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে পুণ্যার্থীদের। এবছর তো তাদের 42তম বর্ষ, তারই উদ্বোধন হয়ে গেল গত 10ই জানুয়ারি। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভ সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেত্রী নয়না দাস সহ অনেক বিশিষ্ট জনেরা। দীপ্রায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक, उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक, उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक। सुखों का दाता है वो, दुख से बचाएगा वो, बिगड़ी बनाता है वो, बिगड़ी बनाएगा वो। उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक, उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक, उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक, उसी पर रख विश्वास वो है तेरा मालिक। और सज्जनों, क्या पक्षी भी परमात्मा के गुण गाते हैं, बताइए। बोले सच्चिदानंद भगवान। मैं शैलेश कुमार जायसवाल, ओम व्यवसाय संघ का संपादक हूँ। ये संस्था पिछले 41 साल से अपने सेवामूलक कार्य करती आ रही है। यहाँ पर हजारों हजारों तीर्थयात्री को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवा या किसी भी चीज़ का जरूरत पड़े तीर्थयात्रियों को सारी व्यवस्था इधर की जाती है। और ये 42वां साल है। हमारे राजेंद्र जायसवाल जी हमारे शिविर का उद्घाटन किए हैं। हमारे शिविर में श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी, नैना बंदोपाध्याय जी, सुधा बख्शी जी, अनेक अतिथियों लोग आए हैं। पूरे भारतवर्ष से ये यात्री लोग आते हैं और गंगा सागर के लिए जाते हैं। धन्यवाद। गंगा सागर नहाने के लिए धौलपुर से, धौलपुर जिला, धौलपुर राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान धौलपुर जिला पिपैरा। अब कहाँ जाएगा? गंगा सागर जाएगा। यह कैसा है खाना? और बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बहुत सबसे बढ़िया व्यवस्था मिली है तुम्हारी, धन्य। यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत लाजवाब व्यवस्था है। यहाँ ओम व्यवसाय संघ के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े सेवा भाव उनके अंदर ज़्यादा है, और यहाँ सब व्यवस्था खाने पीने से लेके दवा की भी व्यवस्था है यहाँ।
और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। हम जैसे हर साल आते हैं तो यही ओम व्यवसाय संघ में हम रुकते हैं, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है, सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं 12 साल से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा सेवा भाव है ओम व्यवसाय का, बाहर ही काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग और अच्छा सेवा भाव रखते हैं, कोई किसी बात की तकलीफ नहीं, कोई भी दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान तुरंत करते हैं, ये बहुत अच्छा है। कहाँ जाएगा? हम लोग सारे गंगा सागर जाएंगे। कहाँ से आया? आगरा। आगरा जी। खाना कैसा है? बहुत फर्स्ट क्लास, बढ़िया, बहुत अच्छी है, दवाई से लेकर हर चीज से पूरी व्यवस्था बढ़िया है। धन्यवाद। आपका नाम? पूरी सिंह। आपका नाम? मेरा नाम सीताराम दास। कहाँ से आया? यूपी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ जाएगा? गंगा सागर जाना है, लेकिन यहाँ पर हम अधिकतर सत्संग की भावना से आते हैं, यहाँ लोगों की दर्शन भी होती है और ओम सेवा व्यवसाय संघ समिति के व्यवसाय संघ के जितने भी पदाधारी हैं सभी से मेरा लग्न है, प्रेम है, व्यवस्था कैसा आस्था है, इसीलिए बराबर आता हूँ। यहाँ तो पहले देखा नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते हैं, मंत्री जी स्वयं बताते हैं, पहले यहाँ केवल चाय की व्यवस्था होती थी, लेकिन कपिल मुनि बाबा की कृपा से आज जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए उनकी कृपा से, कितना इतना पब्लिक की मानव जन का सेवा यहाँ पर हो रहा है ओम व्यवसाय सेवा संघ में, और हर एक चीज़ का व्यवस्था, उठने का, बैठने का, सोने का, नहाने का, दवा दर्पण, भोजन पानी नाश्ता, हर एक चीज़ से यहाँ पर पूरी जनता भक्त भगवान को मिलता है, इसलिए जनता जनार्दन यहाँ पर आते हैं, सेवा करने का अवसर मिलता है ओम व्यवसाय सेवा संघ समिति के संघ को। इस संस्था को हम लोग परिश्रम करके 41 साल से चला रहे हैं और सब परिश्रम करके ही चला रहा है, कोई भी इसमें कार्यकर्ता जो है कोई भी तगाही नहीं करता है, जरूर नहीं करता है, बहुत मेहनत से ओम व्यवसाय संघ में संस्था में पूरी रात हम लोग मेहनत करके इसको यात्री लोग का सेवा करते हैं, आने वाले हर यात्री का हम लोग पूरी हर तरह से सम्मान करते हैं, दवा पानी और जो जितना भी उन लोगों को परेशानी होता है उन सब हम लोग हल करते हैं, चाहे दवा का जरूरत कहें उन्हें 12 बजे रात को पड़े कलकत्ता हॉस्पिटल से लाना हो चाहे कहीं से लाना हो, हम लोग अरेंजमेंट पूरा 100% कर देते हैं। आपका नाम? जीवलाल जायसवाल। मेरा नाम पटेल प्रसाद भगत हुआ, मैं कलवार वेलफेयर सोसाइटी का एडवाइज़र के नाते सिर्फ 2 शब्द में ही कहना चाहता हूँ कि 42 साल पहले इस संस्था का जो नींव डाला गया था, आज 42वां बरस पे 42वां तल्ला पे पहुंच गया है। मैं भगवान से विनित करता हूं कि हर साल हर तल्ला ऊपर चलता जाए और इसका नाम, इसका सेवा का भावना ज़्यादा जुड़ता जाए। धन्यवाद। कृष्णा भगत, वेलफेयर कलवार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि ओम व्यवसाय समिति का ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, जितना भी हम लोग तारीफ करें वो कम ही होगा। जितना मैं पाया यहाँ देखकर इससे मैं बहुत ही विचलित हूँ और ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है और इसके लिए बहुत बहुत उनकी हार्दिक कामना। कृष्णा भगत। सुरेश कुमार साहू टीटागढ़ से आया हुआ हूँ और मैं भी पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ इस व्यवसायी संघ से, ओम व्यवसायिक संघ से। ये संस्था हमारे ख्याल से सबसे बृहद संस्था है जो यहाँ पर शिविर आयोजित होती है, ये हमने घूम कर देखा है, इससे बड़ी शिविर कहीं भी नहीं है और यहाँ की सेवा मूलक जो कार्य हो रही है वो मतलब हृदय से मतलब वाह वाह निकलता है। ठीक, धन्यवाद। प्रिय अशोक शाह, ओम व्यवसाय संघ से कुछ सालों से जुड़ा हूँ। ये संस्था 41 वर्ष से जन समुदाय की तीर्थयात्रियों के देश के कोने कोने से आए हुए यात्रियों का सेवा करती है, उनको हर तरह से तन से मन से धन से हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाती है। जो यात्री एक बार यहाँ से आकर चले जाते हैं उनके मन में एक मीठी याद हमेशा याद रहती है, वो लोग यही कहते हैं कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे ओम व्यवसाय संघ के सभी मेंबरान। वाह भाई वाह भाई। अशोक कुमार शाह, शिविर मंत्री। दवा की व्यवस्था हर तरह की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की पूरी चेष्टा करती है ताकि यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यात्री को यहाँ से लेके गंगा सागर तक
जिन यात्री का पैसा पाकिटमारी हो गया है उनको 400 रुपया दे करके गंगा सागर भेजा जाता है ताकि वो स्नान तीर्थ यात्रा करके आएँ और फिर उनके घर के लिए टिकट कटा करके उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करता है। जिनके पास उड़ने के लिए कंबल नहीं है उनको कंबल दिया जाता है। जिनके पास अन्य और असुविधाएं होती है सारी सुविधाओं ओम व्यवसायी संघ का एक उपदेश है कि गंगा सागर जाने वाले यात्री जो ओम व्यवसायी संघ के कैंप में आवें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकें, यही हमारा उपदेश है। मेन किसी प्रकार का असुविधा पर ओम व्यवसायी संघ के कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। किसी भी यात्री को किसी भी समय कोई प्रॉब्लम हो ओम व्यवसायी संघ के कार्यकर्ता 24 घंटा इस सेवा मूल्य कार्य में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे 17 तारीख तक। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अच्छे लाल जायसवाल ओम व्यवसायी संघ। 11 जनवरी 1978 को इस संस्था की नींव पड़ी। 11 जनवरी 1978 से हम तो नहीं थे, हमारे बुजुर्ग इस संस्था का नींव डाले हैं, उनका कार्यभार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस संस्था से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और कल 11 जनवरी 2019 को 41 साल पूरी हो जाएगी। इसका स्थापना दिवस 11 जनवरी को होता है। ओम व्यवसायिक संघ की तरफ से मैं सारे यात्रियों का धन्यवाद करता हूँ। हम आप लोगों का देखे और जैसा लगा भाई कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इंतज़ाम आप लोग करते हैं। इतना बढ़िया इंतज़ाम, इतना बढ़िया आप लोगों का प्रोग्राम है कि भाई हमको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हम आप लोग के साथ जुड़े। हम तो देख के अचंभित हैं कि इतना बढ़िया इंतज़ाम और इतना 42 साल से आप लोग करते आ रहे हैं। भाई हम तो काफ़ी आश्चर्यचकित हैं। ओम बबसाई ये काम करके धन्य होता है और सारा साल भी ऐसे ही काम करता है, मानुष का सेवा करता है, तो इसके बारे में आपको क्या इंस्पिरेशन देने के लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए तो भाई हमारे लिए बोलने का शब्द ही नहीं है हमारे पास। भाई देख जो हम देख रहे हैं उसके बाद हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचा।